For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Assalamu alaikum, I'm Zoha Suhail. I'm a lecturer at Rashid Singh Medical College and a clinical nutritionist at Arnold Hospital. Today, we'll talk about diet and immune system. The way the coronavirus is spreading with a lot of people and a lot of people are affected, so at this time, our everyone's immune system is better, our immunity is better, is very important. So at this time, use such a diet, such a lifestyle, which keeps your immunity in a natural way. Because the more good your immunity is, the more good डिफेंस सिस्टम होगा, उतना इजीली आप इस पेंडेमिक से बाहर आ सकेंगे। अगर ये आपको मुतासिर कर चुका है तो उस सूरत में भी अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बनाते हैं तो आपके लिए बेहतरीन है। या अगर आपके बहुत ज्यादा एनवायरमेंट में लोग ऐसे आ रहे हैं जिनको कोरोना वायरस हो चुका है, तो उनके थ्रू अपने आप को सेफ रखने के लिए बहुत बेहतरीन ये है कि अपनी डाइट किस तरह से रखें कि आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर बना दी जाए। तो उसमें सबसे पहले कोशिश करें कि पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा रखें, क्योंकि जितना ज्यादा आप पानी कंज्यूम करेंगे उतने अच्छे तरीके से आपको बॉडी में से टॉक्सिन्स, फ्री रेडिकल्स, वायरसेस, बैक्टीरिया फ्लश आउट होते जाएंगे। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें। लेकिन पानी के इस्तेमाल के वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है उसका वक्त, कि आप किस वक्त पर पानी कंज्यूम करें। कोशिश करें कि सुबह निहार मुंह एक ग्लास पानी जरूर कंज्यूम करें, उसके बाद खाने से आधा घंटा पहले और खाने के आधा घंटा बाद एक ग्लास पानी को कंज्यूम करें, और नमाज जब आप पढ़ रहे हो तो उस वक्त एक ग्लास आप पानी का कंज्यूम करें। इस तरह से आप पानी कंज्यूम करेंगे तो आपकी बॉडी में हेल्दी अमाउंट ऑफ वाटर जाएगी, जो हर किस्म के वायरस टॉक्सिन से आपको महफूज रखेगी। इसके अलावा मौसमी फलों का इस्तेमाल अपनी डाइट में यकीनी बनाएं। जिस तरह से इस वक्त अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज्यादा फलों से नवाजा है, जिसमें चेरीज अवेलेबल है, जिसमें नुकाट अवेलेबल है, तरबूज अवेलेबल है, ये सब फल ऐसे हैं कि जिसमें पानी भी अच्छी मिकदार में मौजूद है और ऐसे गजाई अज्जा मौजूद हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब फलों में हमारे पास वाइटामिन सी मौजूद है जो इम्यूनिटी को एनहांस करता है, और जितनी अच्छी इम्यूनिटी होगी उतने अच्छा आपका बॉडी का डिफेंस सिस्टम काम कर रहा होता है। चेरीज का इस्तेमाल जरूर करें, दिन में कोशिश करें कि 12 चेरीज आप सुबह 10-11 बजे इस्तेमाल करें और 12 चेरीज आप शाम 4-5 बजे इस्तेमाल करें, क्योंकि चेरीज के अंदर जो उनकी ऑरेक वैल्यू है जो बॉडी में से हर फ्री रेडिकल को बाहर निकालती है वो सबसे ज्यादा हाई है। तो चेरीज का इस्तेमाल इस मौसम में यकीनी बनाएं। और दूसरी बात, बहुत से लोग क्वारंटाइन में जैसे, तो इस वजह से उनकी जो लाइफस्टाइल है, उनकी जो स्लीप पैटर्न है, सोने उठने की जो रूटीन है वो खराब हो चुकी है। रात को देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं, जो कि ठीक प्रैक्टिस नहीं है। चेरीज के अंदर हमारे पास एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी में जाकर मेलाटोनिन के अमाउंट को ज्यादा कर देता है। इसके अंदर ऐसा कंपाउंड है जो मेलाटोनिन के अमाउंट को ज्यादा करता है, और जितना अच्छा स्लीप हार्मोन आपका बनेगा उतना अच्छा स्लीप साइकिल आपका रेगुलेट होता जाएगा। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें। मौसमी फलों के अलावा दही का इस्तेमाल अपने खुराक में यकीनी बनाए। खाने के बाद 3 से 4 चम्मच दही के जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि दही में हमारे पास हेल्दी बैक्टीरिया मौजूद है जिसको हम प्रोबायोटिक कहते हैं। प्रोबायोटिक ऐसा एक चीज है हमारी बॉडी में जाकर वो एक अच्छा गुड बैक्टीरिया बनाती है, जो आपके इम्यून सिस्टम को बेहतरीन बनाता है, और इम्यून सिस्टम के साथ साथ वो आपकी डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। खुराक के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी को अपने लाइफस्टाइल में जरूर शामिल करें, क्योंकि जितने आप फिजिकली एक्टिव होंगे उतने अच्छे तरीके से आपके लंग्स काम करेंगे। जितने बेहतरीन तरीके से आपके लंग्स काम करेंगे उतने अच्छे तरीके से आपकी बॉडी में जितने भी खराब चीजें, जितने भी टॉक्सिन्स हैं, वो उसमें से रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर निकलते जाएंगे। तो कोशिश करें कि अगर घर में फिजिकल एक्टिविटी करें तो उसमें आप सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ सकते हैं, आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। लेकिन अगर घर से बाहर जाके करें तो सब एसओपीज को फॉलो करके फिजिकल एक्टिविटी करें, ताकि आप इस पेंडेमिक के अंदर ना आ सकें। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स में पेशेंट्स को जरूर रिकमेंड करती हूँ, कि जिस तरह से जिंक हमारे पास एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है, और जिंक ज्यादातर हमारे पास समुद्री जो चीजें जिसमें मछली है, शेलफिश है, उसके अंदर अवेलेबल होता है और लोग ज्यादा कंज्यूम नहीं कर रहे होते, तो इस वक्त पर आप बेशक जिंक के जो सप्लीमेंट है वो कंज्यूम कर सकते हैं। और इसके अलावा सेलेनियम एक ऐसा हमारे पास मिनरल है जो हमें वैसे सॉइल से मिलता है, फलों और सब्जियों में इसकी अमाउंट ज्यादा होती है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते कि सब्जी में किस फल में ये ज्यादा है, क्योंकि वैसे ये मट्टी में अवेलेबल होता है। तो अगर आप अपनी डाइट में इसका सप्लीमेंट भी कंज्यूम करते हैं तो उसके थ्रू भी आप इसे फायदा हासिल कर सकते हैं। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें। इसके अलावा उन प्रैक्टिसेस को अवॉइड करें जो आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर रही होती है, क्योंकि जितना कमजोर इम्यून सिस्टम होगा उतनी जल्दी वायरसेस बैक्टीरिया आप पे अटैक करेंगे।
तो अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जिनको अवॉइड करना बहुत लाजमी है, जिसमें सबसे पहले स्मोकिंग आ जाती है। वो लोग जो स्मोकिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि स्मोकिंग से इजीली आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ करते जाएं ताकि उनका इम्यून सिस्टम बेहतर बनता जाए। इसके अलावा मैदे वाली चीजें जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स आपके पास जिसमें छान एडेड नहीं है, जो होल व्हीट नहीं है, उनके इस्तेमाल से परहेज करें, क्योंकि जितने ज्यादा आप सफेद मैदे वाली चीजें खाएंगे, बेकरी के अशिया का इस्तेमाल करेंगे, उतनी आपके कुव्वत मुदाफित, आपके जो खुलिए हैं वो कमजोर होते जाएंगे। इसके अलावा एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक और एक्सेसिव शुगर इनटेक, बहुत ज्यादा ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जिसमें बहुत ज्यादा नमक एडेड है, बहुत ज्यादा चीनी एडेड है, उसके इस्तेमाल से परहेज करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप इन चीजों को इस्तेमाल करेंगे उतना इजीली आपके सेल्स खराब होते जाएंगे और आपका इम्यून सिस्टम डिस्ट्रक्शन की तरफ जाता जाएगा, उसके ऊपर मनफी असरात पड़ते जाएंगे। तो इन सब चीजों को अवॉइड करें, हेल्दी प्रैक्टिस को एक्सेप्ट करें, ताकि इस पेंडेमिक में आप अपने इम्यून सिस्टम के थ्रू, अपने नेचुरल डिफेंस सिस्टम के थ्रू इसको बेहतर बना सकें। और कोशिश करें कि कुदरत के ज्यादा करीब जाएं और जो आर्टिफिशियल चीजें जिसमें प्रोसेस फूड है उनके इस्तेमाल से परहेज करें।